अगर आपको कहा जाए कि ये चार इंग्रेडिएंट्स हर दिन एक कप में डाल के चाय बनाना है अगले 30 दिन, या सिर्फ ये गोली कप में डालें और चाय बना लें, तो आप क्या चूज़ करेंगे? मेरे हिसाब से आप चुनेंगे दूसरा ऑप्शन, जो कि आसान है और टाइम भी कम लेगा। हाय गाइस, आज एक और ऑल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट रिच वेट लॉस पिल्स दिखा रही हूँ, माचा ग्रीन टी पाउडर यूज़ करके। इससे वज़न, एक्स्ट्रा बॉडी फैट, इन्फ्लेमेशन और कोलेस्ट्रॉल कम होगा, साथ ही आपको एनर्जेटिक और डिटॉक्स रखेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करें। एक बोल लें कांच या सिरेमिक का, इसमें 6 टेबल स्पून माचा पाउडर डालें। मेरे पास सेरेमोनियल ग्रेड ऑर्गेनिक माचा है, 6 टेबल स्पून लगभग 30 ग्राम वेट के करीब है। सेरेमोनियल माचा में ज़्यादा क्लोरोफिल, EGCG, कैटेकिन्स और एल थियनिन है कलिनरी ग्रेड्स के कंपैरिजन में। माचा एक अच्छा सोर्स है EGCG कंपाउंड का, ये मेटाबॉलिज्म और थर्मोजेनेसिस बढ़ाता है और इससे हमारी बॉडी से कैलोरीज जलने का रेट 10% से 40% हो जाता है। इसमें काफ़ी फाइबर, क्लोरोफिल, वाइटामिन और मिनरल्स भी हैं। इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, कैंसर से बचे रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर भी कम होता है। नेक्स्ट, 2 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर डालें। सीलोन सिनेमन लें, ना कि सादी दालचीनी। 2 टेबलस्पून का वेट लगभग 10 से 15 ग्राम होगा। दालचीनी में भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन, बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। वजन कम होता है क्योंकि दालचीनी से ब्लड शुगर स्टेबलाइज और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तीसरा इंग्रीडियंट है 2 टेबलस्पून अदरक का पाउडर, ये भी 10 से 15 ग्राम के करीब होगा। ये ब्लड शुगर और जमे हुए फैट को रेगुलेट करता है और इस प्रोसेस से कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट और मसल पेन और मोटापा कम होता है। अब इन सबको बाइंड करना है और मैं इसके लिए यूज़ करूँगी ऑर्गेनिक शहद। 3 टेबलस्पून शहद लेना है, लेकिन पहले 2 टेबलस्पून से शुरू करें। अच्छे से मिलाएं, बचे हुए शहद डालकर फिर से मिलाएं और फिर उंगलियों से चेक करें कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। इसकी शक्ल पे ना जाएं। एक पल आपको ये पाउडर सा ही लगेगा और दूसरे ही पल ये मिक्सचर पतला हो जाएगा अगर शहद ज़्यादा डल जाए तो, इसलिए काफ़ी ध्यान से बनाएं। जब डो बन जाए तो इन्हें पिल्स का शेप देना है। इस बार मैं गोल आकार दे रही हूँ। 1/4 टीस्पून से कम के साइज के पिल्स हैं और मेरे 51 पिल्स बने हैं। जब ये बन जाए तो किसी कूल डार्क प्लेस में 4 से 6 घंटे सूखने दें। फिर इन्हें किसी एयरटाइट कांच के कंटेनर में स्टोर कर लें, मौसम के हिसाब से फ्रिज में भी रख सकते हैं। इन्हें च्यू करके कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी च्यूई हैं, तो या तो छोटे आकार के बना के पानी से अंदर ले लें, या फिर एक कप लें और एक माचा पिल डालें, फिर उबलता पानी डालें और 1 मिनट स्टीप होने दें। फिर स्पून से स्टर करें और आपकी फैट बर्नर ग्रीन टी का कप तैयार है। ये काफ़ी टेस्टी भी है। रेकमेंड करूँगी हर दिन 2 पिल्स लें नाश्ते और लंच के 30 से 45 मिनट के बाद। ये पिल्स काफ़ी आसान है बनाने और कैरी करने में और 1 महीना लास्ट करेंगे। एक ही हफ्ते में डिफरेंस दिखने लगेगा, वज़न, एक्स्ट्रा फैट और इंचेस कम होने लगेंगे। आपकी बॉडी काफ़ी एक्टिव और डिटॉक्स्ड होगी, क्लियर और ग्लोइंग स्किन के साथ। ये पिल्स सेफ हैं सबके लिए, इंक्लूडिंग PCOS, PCOD, थायराइड, डायबिटिक्स और प्रेग्नेंट महिलाएँ। अगर आप नर्सिंग मदर हैं तो अच्छी क्वालिटी का पैस्चराइज्ड हनी लें इन्हें बनाने के लिए, या फिर अवॉइड करें। आशा है ये मैजिकल वेट लॉस पिल की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आपने मेरा पहला मोरिंगा वेट लॉस पिल वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, उसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इंस्टा और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं और मैं जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखें, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ दुनिया के 2 सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। बाय बाय।